प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के तहत गुरुवार को मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके तहत बुरहानपुर जिले में भी मोहना संगम पर 9 करोड़ की लागत से बनने वाले घंटों के निर्माण कार्यों का पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली भूमि पूजन किया गया। बता दें कि मोहना संगम पर बनने वाले घाटों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के अथक प्रयासों से किया गया है। इस दौरान स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी शास्त्री बज्र वल्लभ धासी ने कहा कि भगवान स्वामी नारायण खुद इस ताप्ती के तट मोहन संगम पर आए थे और वर्ष 1799 में 3 दिनों तक विश्राम भी किया था। आज उसका पर्यटन के रूप में विकसित होना बड़ी बात है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। और जिस तरह से हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से सरकार देश के ज्ञान मिली नरेंद्र मोदी जी और निरंतर हमारे जिले में जो आज मध्य प्रदेश के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके द्वारा आज उत्तर प्रदेश में 17,500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। उसी के से लगभग खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हमारे मुख्य सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी के द्वारा लगभग इसी कार्यों के अंतर्गत 50 करोड़ के पूरे संसदीय क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा अति प्राचीन मोहना संगमेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर लगभग 9 करोड़ की लागत से सारा डेवलपमेंट जो है पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर किया जाने